विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हम इस वीडियो में भाषा संस्था और भाषा संस्था में व्याकरण का एक मुद्दा संज्ञा संज्ञा के बारे में हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा 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 किसे कहते हैं? पहला प्रश्न तो यह होता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर से बोलता हूं कि किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा का ही अर्थ होता है नाम और नाम का ही अर्थ होता है संज्ञा। यहां पर मैंने लिखा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो बारी बारी से समझेंगे। पहले लेते हैं व्यक्ति। यहां पर मैंने लिखा है नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति जैसे नाम लिखते हैं राजू, मीरा, गीता, अशोक, समझते हैं ना, राहुल, अकबर, बीरबल, रीटा, नीना, नजमा आदि। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ व्यक्ति व्यक्ति के नाम है राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, अकबर, बीरबल, रीटा, नीना, नजमा आदि व्यक्ति के नाम है। तो ये व्यक्ति के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का ही अर्थ होता है नाम और नाम का ही अर्थ होता है संज्ञा। तो पहले देखा किसी व्यक्ति को, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा वस्तु। वस्तु के जो नाम होते हैं इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे गेंद, गेंद यानी तलवार का ही है, गेंद, फल, साइकिल, पची बोतल, पेंसिल। यहां पर देखो किसी वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक। पुस्तक मैंने यहां पर लिखा है फिर पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि वस्तुओं को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसमें पहले हमने देखा कि व्यक्ति को व्यक्ति के नाम है जिसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु तो वस्तु को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। गेंद, फोन, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल आदि। यहाँ पर पेड़ का नाम आएगा, फूल का नाम आएगा, तो संज्ञा बनेगी। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चलता है? और तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस तरह से व्यक्ति और वस्तु है तो वस्तु के बारे में जाना। अब हम जानेंगे प्राणी। तो प्राणी के नाम ना देखेंगे। प्राणी तो प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी,
बकरी, पर आदि क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वह प्राणी के क्या है? नाम है। तो विद्यार्थी मित्रों आपको पता चला होगा। विद्यार्थी मित्रों हमने देखा प्राणी तो मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि आदि यानी वगैरह सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आगे भाव, तो भाव भाव जैसे क्रोध, क्रोध, खुशी, प्रेम, क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, ईर्ष्या, दुख, प्यास आदि। ये भी क्या कहलाते हैं? क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, प्यास आदि आदि है। ओके, क्या ये संज्ञा है? विद्यार्थी मित्रों हम संज्ञा के प्रकार देखते हैं, पर पहले संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव देखते हैं। आगे स्थान, स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, मथुरा, कोई भी नाम ले सकते हैं, मथुरा, पंजाब, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों गुजराती में बोलूं छू, कोई पण व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थल नाम ने शुं कहेवाय छे? संज्ञा कहेवाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों तो संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके अलावा रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि की संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों हमने संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हमने जाना। अब हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। आगे भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार यानी भेद के बारे में हमें जाना। तो विद्यार्थी मित्रों हम व्यक्तिवाचक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारा भाषा सत्ता में 2 संज्ञा दी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित कराती है उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पर विद्यार्थी मित्र हम लिखेंगे कि जो शब्द
जो शब्द किसी निश्चित यानी खास व्यक्ति प्राणी व्यक्ति प्राणी या स्थान को जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित स्थान को सूचित कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति आशा विमान चलाती है, धर्म लिखता है, मीरा दौड़ती है, तो जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित करते हैं उस संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि आशा विमान चलाती है, आशा विमान चलाती है, तो आशा विमान चलाते हैं। पर यहाँ पर आशा का नाम लिखा है, यहाँ विमान कौन चलाते हैं? तो आशा चलाते हैं। यहाँ निश्चित व्यक्ति का नाम दिया गया है, निश्चित व्यक्ति का नाम दिया गया है, इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी क्या है? नदी है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी है, स्थान नदी के नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा शब्द व्यक्तिवाचक, यहाँ पर नदी का नाम है, किसी व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित कराने वाले शब्द या संज्ञा नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीम 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 गुणकारी पेड़ है, नीम गुणकारी पेड़ है, नीम गुणकारी पेड़ है, नीम गुणकारी पेड़ है। तो यहाँ गुणकारी पेड़, तो नीम यहाँ का पेड़ का नाम दिया गया है, तो निश्चित नाम दिया गया है, पेड़ है, नीम का पेड़ है, निश्चित है, तो नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आया कि जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति प्राणी या स्थान को सूचित कराते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा विद्यार्थी मित्रों, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण, और हमने देखे कि आशा विमान चलाती, तो आशा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी, तो नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम गुणकारी पेड़, तो नीम व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? तो हिमालय पर्वत की बात की गई, सब पर्वत की बात नहीं की गई है, हिमालय पर्वत की बात की गई। तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रेखांकित शब्दों को आप देख सकते हैं, तो ये रेखांकित शब्द आशा नर्मदा हिमालय नीम शब्द है, रेखांकित ये शब्द है किसी खास व्यक्ति, खास यानी निश्चित व्यक्ति नदी पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। फिर से बोलता हूँ, आशा नर्मदा हिमालय नीम, तो ये रेखांकित शब्द है एक किसी खास यानी निश्चित व्यक्ति नदी पर्वत और पेड़ को निर्देश करते हैं, बताते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तुमने एम समझा कौन एक व्यक्ति माना झड़ से पेड़ से उतर से, तो नीम का पेड़ जरूर नाम चौक्स आप दीदी है, लीमड़ा झाड़ चौक्स नाम आप दीदी ओखा भी दीदी है, धर्म के भावे धर्म बनावे धर्म बनावे धर्म मरु नाम आप दीदी।
वस्तु स्थान प्राणी को निर्देशक दे उसे क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं तो नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हमारे देश के सैनिक बहादुर है हमारे देश के सैनिक तो सैनिक किसी एक सैनिक के बारे में नहीं किया हमारे देश के सैनिक तो हमारे देश के सैनिक पर जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं सैनिक सैनिक का बोध कराते हैं तो सैनिक शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा नदी को लोक माता कहते हैं नदी तो नदी को क्या कहते हैं लोक माता तो यहाँ पर नदी किसी नदी का नाम गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदी के नाम यहाँ पर नहीं दिए नदी का बोध कराते हैं सब नदी की बात कि नदी को लोक माता कहते हैं तो सब नदी को लोक माता कहते हैं किसी एक नदी के बारे में नहीं बताया सब नदी की बात है तो नदी जाति जाति का बोध कराते हैं तो नदी जातिवाचक संज्ञा कुत्ता वफादार प्राणी है कुत्ता कुत्ता कुत्ते के भी नाम होते हैं हम कई बार बुलाते हैं कुत्ते के नाम से तो यहाँ कुत्ता तो किस कुत्ते की बात की है तो कुत्ते का नाम यहाँ पर है सब कुत्ते की बात की है कुत्ते की जाति के बारे में बात की है इस तरह से कहते हैं कुत्ता तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं विद्यार्थी मित्रों तुमने एम समझाऊ छु के बस के नदी ने लोक माता कहवाई छे नदी ने लोक माता कहवाई छे गणी बारे के गंगा ने लोक माता पर गंगा नदी ने लोक माता कहते गंगा ने चौकस नाम आपी दी नदी को नाम आपी जो नदी को नाम आपी दी तो मैं तो व्यक्ति वाचक संज्ञा यहां देश की बद्धी नदी की बात कर छे बद्धी बद्धी बरोबर बद्धी नदी એટલે જાતિ વાચક સંજ્ઞા પુત્રો વફાદાર પ્રાણી છે પુત્રો વફાદાર પ્રાણી છે પણ કયા પુત્રની વાત કરી છે એ ચોક્કસ નહીં બધા પુત્રની વાત કરી છે તે જાતિ દર્શાવે છે પુત્રની જાતિ બરાબર છે કે ઝાડ આપણને છાયો આપે છે ઝાડ આપણને છાયો આપે છે તો પ્રોપર ઝાડનું નામ તમે બધા જણોની વાત કરી છે ઝાડની જાતિ બતાવે છે બરાબર યાની યહાં પર મેં આપકો યે બતાના ચાહતા હું જો શબ્દ સંપૂર્ણ જાતિ કા બોધ કરાતી હે ઉસે જાતિ વાચક સંજ્ઞા કહેતે હે અહીં આપણે એ પણ જોયું કે સૈનિક બહાદુર છે તો સૈનિક બરાબર છે કોઈ સૈનિકનું નામ આપીને નથી કહ્યું કે આ બહાદુર છે બધા સૈનિકોની વાત કરે છે બધા સૈનિકો વાત કરે છે એટલે એને જાતિ વાચક સંજ્ઞા કહેવામાં આવે છે તો જે જાતિ દર્શાવે એને જાતિ વાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે છોકરાઓ તો છોકરાઓ ચોક્કસ છોકરાઓના છોકરા નીરો મહેશ એવું નામ નથી કે છોકરાઓ કસ્તુરી તો છોકરાની જાતિ પુરુષની જાતિ આવી બરાબર છે એટલે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા આમ જો ચોક્કસ નિશ્ચિત નામ આપી દીધેલું હોય તેને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય તો વિદ્યાર્થી મિત્ર તમે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય એ પણ અને એક શોર્ટ ટ્રિક બતાવું છું તમને ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રોપર ચોક્કસ નામ આપી દીધેલું હોય મહેશ ગીતા મીરા ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર હિમાલય ભારત દેશ ભારત દેશ એક જ છે બસ બીજા દેશ નામ ભારત નથી આપ્યું અમેરિકા તો અમેરિકા એક જ નામ દેશ નું આપ્યું છે તો એ શું કરી છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા હવે જાતિવાચક એટલે બધાની વાત કરી હોય ધારો કે ગાયો તો બધા દેશ માં ગાતો હોય છે ને બરાબર છે ધારો કે પુરુષો તો બધા દેશ ના પુરુષો હોય નામ હોય પડે ને તો દુનિયાના બધાની વાત કરી હોય ટૂંકમાં આપણે યાદ રાખવા માટે સમજવા માટે આ કહું છું તે જાતિવાચક સંજ્ઞા અને આ આગળ આવશે સમૂહવાચક સંજ્ઞા એવું આવશે તો સમૂહવાચક સંજ્ઞા એટલે અહીં વ્યક્તિ કે ચોક્કસ નિશ્ચિત એક જ વ્યક્તિની વાત કરી હોય તો વ્યક્તિવાચક દુનિયાના બધાની વાત કરી હોય તો જાતિવાચક અને એકથી વધારે બધાથી ઓછું એકથી વધારે અને બધાથી ઓછું બરાબર છે તો એને શું કહેવાય છે સમૂહવાચક જ્યારે આવશે ત્યારે કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આપણી ભાષા પ્રકાર ચાલી ગઈ કે હમને યહાં પર દેખા વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા ઓર જાતિવાચક સંજ્ઞા કિસી નિશ્ચિત વ્યક્તિ બરાબર છે વ્યક્તિ કા નામ બતાવ્યા બરાબર તબ ઉસે કે કહેતે હૈ વ્યક્તિવાચક કે કિસી ખાસ વ્યક્તિ પ્રાણી કિસી ખાસ વ્યક્તિ પ્રાણી સ્થાન કી બાત કી ગઈ હો તો ઉસે કે કહેતે હૈ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેતે હૈ ઓર જો શબ્દ સંપૂર્ણ જાતિ કા બોધ કરાતે હૈ ઉસે જાતિવાચક સંજ્ઞા કહેતે હૈ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યહાં હમને સંજ્ઞા
के दो प्रकार देखे व्यक्तिवाचक संज्ञा और साध्यवाचक संज्ञा। आपको जो वर्कशीट दे तो वर्कशीट वीडियो देखकर आप संज्ञा के जो प्रकार है तो उनके भेद पर अच्छी तरह से पहचान कर आप लिखने का प्रयत्न करेंगे। अस्तु, सही है।